आज हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, जिसको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या है इसका? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब कोई बता सकता, व्हाट इज दिस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन? कि देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, प्रीएम्बल देखा, प्रीएम्बल के वर्ड्स देखे, है ना, प्रीएम्बल देखा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। कब आ गया? 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। अब उसके बाद बारी आई चुनाव की। 1952 में इलेक्शन के रिजल्ट भी आ गए, सरकार भी चुन गई, है ना। लेकिन सवाल उठा कि भाई भारत, जो भारत कैसा था, 565 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के भारत बना हुआ था, सो इनको रीऑर्गेनाइज कैसे करें? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, इनकी बाउंड्रीज कैसे डिफाइन करें और कौन से एरिया किन स्टेट्स में जाएंगे, ये कैसे डिसाइड करें, राइट? जैसे महाराष्ट्र में मराठा स्पीकर्स हैं, तो वो किसके बेसिस पे गए? लैंग्वेज के बेसिस पे गए। मध्य प्रदेश में, हाँ, तेलंगाना में तेलुगु स्पीकर है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्पीकर है, कर्नाटक में कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले हैं, केरला में मलयालम है, तो ये सब उड़ीसा में जो उड़ीसी बोलते हैं वो लोग हैं। सो ये सब रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ? अभी तो हमको पता चला कि लैंग्वेज के बेसिस पे कर दिया, बट ये शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू में बड़ी डिफिकल्टी हुई कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया था? 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया, मतलब स्टेट्स भी बन गए होंगे। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय स्टेट्स को चार पार्ट्स में रख दिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग पार्ट में रखा, भी अपन आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन क्या आज ऐसा कोई क्लासिफिकेशन मिलता है पार्ट ए बी सी डी नाम का? आपको नहीं मिलता। इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हमने किए हैं। तो जब सबसे पहली बार सवाल आया कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कैसे करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ये सारी प्रोसेस क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहली बार जब कोशिश करी कि स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज करें, तो उसके लिए कमीशन बनाया गया। नाम क्या दिया उसका? धार कमीशन। क्या नाम दिया? धार कमीशन। बिकॉज उसके चेयरमैन कौन थे? एस के धार। इसको एक और नाम से जाना गया, क्या बोला? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। प्रोविंस मतलब क्या होता है? स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश इज अ प्रोविंस, उत्तर प्रदेश इज अ प्रोविंस, तो उसको क्या वो लगा? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन 1948। क्योंकि कब आया था ये? 1948 में। भाई पहले से शुरुआत से डिमांड तो चल रही थी लोगों की कि भाई स्टेट्स को आप किस बेसिस पे क्लासिफाई करो, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इस कमीशन को बनाया गया, जिसके चेयरमैन थे एस के धार, और इनसे पूछा गया क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर दें ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो इन्होंने क्या बोला? आंसर इज नो। बोले आप स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट रिकमेंडेड टू ऑर्गेनाइज स्टेट्स बेस्ड ऑन ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप उनको कितनी आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हो, ना कि किसके बेसिस पे करना, लैंग्वेज। एडमिनिस्ट्रेशन देखो, आप कितनी आसानी से सरकार चला सकते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लैंग्वेज। अब क्या हुआ, ये कब आया था कमीशन? 48। इसने तो अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन जनता को ये एक्सेप्ट हुई नहीं। तो उसी के बाद, उसी साल 1948 में दूसरा कमीशन बनाया गया, जिसको क्या बोला गया? जेवीपी कमिटी। अब इसमें बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश पट्टाभी सीतारामैया। ये पट्टाभी सीतारामैया वही था जो सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार गया था। कब हारा था? 1938 में। उसके बाद गांधी ने बोला था कि अब मैं कांग्रेस से रिजाइन कर दूंगा, तो नेताजी ने बोला था कि तुम रिजाइन मत करो, हम ही छोड़ के चलते हैं। ध्यान रहेगा, हाँ, त्रिपुरी सेशन क्राइसिस भी जिसके कारण आया था, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गांधी। तो यहाँ पर तीनों काफी इंपॉर्टेंट मेंबर थे, जिसको क्या बोला गया? जेवीपी कमिटी। इनको भी क्या बोला गया? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिटी 1948, क्योंकि ये भी कब आया था? 1948 में। उसका नाम था, एस के धार वाले का नाम था लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, और इसका नाम क्या है? लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमिटी। दोनों कब आए थे? 1948 में। इसका भी काम क्या था? टू फाइंड द पॉसिबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस मीन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ध्यान रहेगा, इसके तीन मेंबर मैंने बता दिए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने भी क्या बोला? नहीं। इसकी रिपोर्ट ने भी क्या कर दिया? इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि स्टेट्स को हम लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते। पर जनता अभी भी सेटिस्फाइड हुई। देखो समय कब था? 1948। अब 1948 के बाद 26 जनवरी 1950 को क्या आ गया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो स्टेट्स को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी, है ना। लेकिन जनता अभी भी सेटिस्फाइड हुई क्या? नहीं। उसके बाद पार्ट ए बी सी डी वाला क्लासिफिकेशन चलने लग गया। 1953 में आंध्र प्रदेश के एक आदमी थे, नाम था पोटी श्री रामलू। क्या नाम था उनका? पोटी श्री रामलू।
इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने 56 डेज का हंगर स्ट्राइक किया। क्या किया इन्होंने, 56 डेज का हंगर स्ट्राइक किया। उस समय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये एक ही स्टेट हुआ करता था, नाम हुआ करता था मद्रास। क्या नाम था, मद्रास। लेकिन इनकी डिमांड थी कि भाई हम लोग तेलुगु स्पीकर है और वो तमिल स्पीकर है, तो हमको उनसे अलग कर दो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन ये कमिटीज ने तो बोल दिया था लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रिओर्गनाइज नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है। सो पहला स्टेट बन गया। अब इन्होंने 56 डे की क्या करी, हंगर स्ट्राइक, और इस हंगर स्ट्राइक में क्या हो गई, उनकी डेथ। अब उनकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद इतना ज्यादा एजिटेशन हुआ, इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि पहला स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और वो स्टेट कब बन गया, 1953। तो 1953 में फर्स्ट स्टेट तो बन गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बाकी अभी कुछ नहीं बना, लेकिन एक स्टेट बन चुका, नाम क्या उसका, आंध्र प्रदेश, ध्यान रहेगा। सो इसके बाद दोबारा सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्लासिफाई कर सकते हैं। सो अब उन्होंने तीसरा कमीशन बनाया, क्या बोलते हैं उसको, तीसरा स्टेट कमीशन बनाया, जिसको क्या बोलते हैं, फजल अली कमीशन, क्योंकि इसके चेयरमैन कौन थे, फजल अली। और वो कब बनाया उन लोगों ने, 1953, क्योंकि 1953 बिल्कुल सेम ईयर में ही बना दिया, क्योंकि उनकी डेथ हुई, एजिटेशन हुआ, पहला स्टेट भी बन गया जिसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश। तो अब उनको दोबारा ये पॉसिबिलिटी ढूंढना पड़ी कि क्या स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। अब जब इस कमीशन को बनाया तो इसको बोला कि भाई तुम जो भी रिपोर्ट करो, लेकिन स्टेट्स को किसके बेसिस पर क्लासिफाई करना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब ये तो पढ़ने के पहले अपन ये चीज देखें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसने कैसे किया स्टेट्स को रिओर्गनाइज। पार्ट ए बी सी डी क्लासिफिकेशन क्या था भाई, देखो 26 जनवरी 1950 को क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक डिसाइड हुआ था क्या कि स्टेट्स को कैसे रिओर्गनाइज करना, नहीं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि स्टेट्स को चार पार्ट में क्लासिफाई कर दो, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। सो बोले पार्ट ए में कौन से स्टेट्स रहेंगे, सो बोले देखो जब भी ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, ब्रिटिशर्स हम पे क्या करते थे, रूल करते थे। सो ऐसा नहीं था कि पूरे इंडिया पे वन शॉट रूल करते थे, देखो कई कई जगह उनके डायरेक्ट गवर्नर रहते थे, जैसे पंजाब वगैरह में डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल करते थे। लेकिन उस समय छोटे छोटे राजा रजवाड़े भी हुआ करते थे, बोल सकते हैं ना, कुछ सेंसिटिव या शेड्यूल्ड एरियाज भी हुआ करते थे। तो राजा रजवाड़ों को अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा, जो स्टेट्स डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल करते थे वो अलग थे। तो उन्होंने बोला कि पार्ट ए में वो स्टेट्स रखो जिस पर डायरेक्टली कौन रूल करता है, ब्रिटिशर्स, थ्रू देयर गवर्नर्स। भाई ब्रिटिशर्स के गवर्नर रहते थे ना, जैसे पंजाब हुआ, बॉम्बे हुआ, बंगाल हुआ, यहां पर डायरेक्टली कौन रूल करता था, ब्रिटिशर्स, है ना। सो बोले ऐसे स्टेट्स को कहां रख दो, पार्ट ए में। सो यहां पर टोटल कितने स्टेट्स आ गए, 9। सो ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल करते थे, जिनको ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते थे इन इंडिया, तो वो कौन से थे, आसाम, बिहार, बॉम्बे। बॉम्बे मतलब इट इंक्लूड्स गुजरात एंड महाराष्ट्र बोथ, इतना बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। बॉम्बे शहर का नाम नहीं था, बॉम्बे मींस महाराष्ट्र एंड गुजरात बोथ। बाद में दोनों अलग हुए, गुजराती स्पीकिंग कहां चले गए, मराठी, महाराष्ट्र। सो देखो आसाम, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस सीपी जिसको बोलते थे सीपी, मद्रास, उड़ीसा और पंजाब और यूपी। यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, नॉट उत्तर प्रदेश, उस समय उसको क्या बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस, एंड वेस्ट बंगाल, ध्यान रहेगा। सो यहां पर टोटल कितने स्टेट्स आ गए, 9। नाम याद रहेंगे, ये कौन से स्टेट्स थे, देवर फॉर्मर ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंस ऑफ इंडिया, क्या नाम थे उसके, आसाम, बिहार, बॉम्बे, सीपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और वेस्ट बंगाल, ध्यान रहेगा। यूपी मतलब क्या है, यूनाइटेड प्रोविंस, नॉट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मद्रास में क्या क्या इंक्लूड था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, है ना। कर्नाटक को पहले क्या बोलते थे, मैसूर, और मैसूर को तो राजा रूल करता था, ध्यान है ना। हाँ, तो पार्ट ए में वो स्टेट्स थे जिनको डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल करते थे थ्रू देयर गवर्नर्स। फिर आते हैं पार्ट बी, तो ये क्या आते हैं, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट, जिनको कौन थे, राजा रजवाड़े रूल करते थे। सो इसमें कौन आए, हैदराबाद। अब हैदराबाद मतलब क्या, सिर्फ हैदराबाद नहीं, इट इंक्लूड्स तेलंगाना, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, समझ में आएगा, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो, क्योंकि हैदराबाद के आसपास वाला एरिया, समझ में आया। सो इसमें कौन से राजा रजवाड़े आए, जो राजा रूल करते थे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। फिर मध्य भारत, मैसूर, मैसूर मतलब प्रेजेंट डे कर्नाटका, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन, जिसको क्या बोलते थे, पेप्सू, है ना। राजस्थान, राजस्थान में भी उस समय राजा लोग रहते थे। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहाँ ही है, गुजरात में, है ना, गुजरात और पाकिस्तान की बॉर्डर पे। त्रावणकोर मतलब केरला वाला पोर्शन, और कोच्चि मतलब ये भी केरला वाला पोर्शन, क्योंकि जरूरी है क्या कि राजा रजवाड़े पूरे केरला को ऑक्यूपाई करेंगे, छोटी छोटी रियासतें थी उनकी। पार्ट बी में कौन से स्टेट डाले, जो क्या थे, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थे, समझ में आया।
पार्ट सी में वो स्टेट्स डाले जो आज की क्या है यूनियन टेरिटरीज लाइक है। तो देखना आजादी के पहले ब्रिटिशर जो आज की यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में से किसको बनाया, जो काफी सेंसिटिव एरियाज है ना, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सो ब्रिटिशर्स आजादी के पहले उनको क्या बोलते थे, वो उनको बोलते थे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते थे? शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट। मतलब हमने इनका नाम अलग से लिख रखा है, इनको डायरेक्ट स्टेट में मिलाया है नहीं, बोले शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है। आजादी के बाद क्या बन गई ये चीफ कमीशन प्रोविंस, क्या बन गए? चीफ कमिश्नर प्रोविंस। और फिर और बाद में इनको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरीज। सो पार्ट सी में ऐसी जगह रखे गई जो काफी क्या थी, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। तो यहां पर चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी आ गए जो ब्रिटिश रूल में थे, और सम प्रिंसली स्टेट्स के एरिया भी आ गए जिनको कहां रख दिया था इन्होंने, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। और पार्ट डी उसमें केवल एक ही स्टेट हुआ करता था, नाम क्या था उसका? अंडमान एंड निकोबार। अच्छा पार्ट सी में ऐसे कौन से एरियाज थे? सो आंसर इज अजमेर, भोपाल। ये सेंसिटिव एरियाज है, भोपाल का नवाब इतना नवाब था कि आजादी के बाद भी भारत में मिलने को तैयार नहीं था। हाँ लक्षद्वीप कहाँ रखा हुआ है? लक्षद्वीप को शायद पार्ट सी में ही रखा होगा अभी। लक्षद्वीप उस समय लक्षद्वीप का मुझे भी नहीं पता कहाँ रखा है। तो देखो पार्ट सी में किसको रखा था? ऐसे एरिया जो शेड्यूल्ड एरिया थे या चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, उसमें कौन आएगा? अजमेर, भोपाल, विंध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था, ध्यान रखना, बाद में उसको स्टेट बनाया। कुर्ग, कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है, हिल स्टेशन भी ना कुर्ग, आप लोग जाते हो। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दिल्ली, दिल्ली आज भी यूटी है, उस समय भी ऐसे ही था। कच्छ, कच्छ कहाँ है? गुजरात में। मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये पहले यूटी थे, मणिपुर भी और त्रिपुरा भी। दिल्ली भी यूटी था, लेकिन आज ये क्या बन गए? स्टेट्स बन गए, क्योंकि यूटी के बाद धीरे धीरे हम उनको क्या देना शुरू करते हैं? स्टेटहुड का दर्जा दे देते। और पार्ट डी में तो केवल एक ही स्टेट था, क्या नाम था उसका? अंडमान एंड निकोबार। तो देखो पार्ट ए बी सी डी का मतलब समझ में आया, फोर टाइप ऑफ स्टेट्स वर क्रिएटेड इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ए बी एंड सी डी। सो पार्ट ए में कौन से स्टेट्स आते थे? फॉर्मर ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंसेस, उसमें नौ थे टोटल। कौन कौन से? आसाम, बिहार, बॉम्बे, सीपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स, जो पहले प्रिंसली स्टेट जिनको प्रिंसेस रूल करते थे, लाइक हैदराबाद, हैदराबाद में निजाम था, जम्मू कश्मीर में राजा हरी सिंह, मध्य भारत मैसूर, मैसूर में वाडियार डायनेस्टी थी, है ना, टीपू सुल्तान मर गया था, उसके बाद किसको बिठाया था? वाडियार। वैसे टीपू सच में लड़ा था क्या देश के लिए? टीपू बहुत बड़ा भगोड़ा था असलियत में, उसकी सच्चाई ये है। ऐसा नहीं था कि वो जनता को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, उसने हिंदुओं को तो उस समय मरने के लिए छोड़ दिया था, वो सिर्फ अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट कर रहा था, और उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते करते क्या हो गया था? उसकी डेथ हो गई थी। सो ऐसा नहीं था कि टीपू सुल्तान वॉज वेरी ब्रेव, ना ही ये राजा हरी सिंह वॉज वेरी ब्रेव, ये भी कोई बहुत ब्रेव थे क्या? नहीं। इन लोगों ने भारत के साथ विलय क्यों किया, चाहे वो हैदराबाद हो या टीपू सुल्तान, ओ सॉरी ये हरी सिंह हो, इन्होंने इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान के कबाइली इनके यहाँ घुस चुके थे, इनके पास कोई और चॉइस बची थी नहीं। तो इन्होंने सोते समय भारत को रात में एक लेटर लिखा था, भारत के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को, कि मेरी मदद करने आओ, और अपने प्रधानमंत्री को एक बंदूक दे के सोए थे, बोले अगर सुबह भारतीय वायुसेना आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे नींद में ही क्या कर देना, गोली मार देना, क्योंकि मेरा खेल तो वैसे भी खत्म ही है। तो ध्यान रहेगा, तो ये दोनों की कहानी तो आपको पता है, सॉरी इन दोनों की, मैसूर और जम्मू कश्मीर की। सो इनमें कौन कौन से थे? पेप्सू मतलब बोलो पटियाला इन ईस्ट पंजाब यूनियन, राजस्थान, यहाँ पे भी राजा रजवाड़े थे, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और कोची। देखो राजस्थान में बहुत सारी जगह थी, जैसे एक जोधपुर रियासत थी, जोधपुर के राजा ने डिसाइड किया था कि हम किसके साथ विलय करेंगे? पाकिस्तान, है ना। सौराष्ट्र कहाँ है? सौराष्ट्र। ये कहाँ है? गुजरात। यहाँ के नवाब ने, उसकी बहुत सारी बीवियां हुआ करती थी जूनागढ़, बिल्कुल, उसने बोला कि पार्टीशन हो गया है तो कौन इंपॉर्टेंट है, बीवी या कुत्ते? बोले कुत्ते ज्यादा जरूरी हैं, पहले कुत्तों को जहाज में बिठाया, बोले बीवियां तो आती रहेंगी, पहले उसने कुत्तों को सुरक्षित किया, बीवियों को ही छोड़ गया था अपनी। ध्यान रहेगा ये तो पहले चला भी गया था पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ की 90% पॉपुलेशन कैसी थी? हिंदू। तो उन्होंने किसके फेवर में बाद में वोट किया? इंडिया के फेवर में, रिवोल्ट हुआ और वो फिर बाद में किससे मिल गए? इंडिया से मिल गए, ध्यान रहेगा, हाँ, थ्रू रेफरेंडम, ये भी ध्यान रखना है। त्रावणकोर और कोची, हैदराबाद का निजाम वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, है ना। वैसे निजाम बहुत समय से अंग्रेजों के अंडर में ही रहा था, इनको बोलते हैं ब्रिटिश पैरामाउंटसी, कि राजा जरूर थे लेकिन ये इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे क्या? ब्रिटिश पावर वॉज पैरामाउंट, वो पैरामाउंट थे और ये सब उनके अंडर में थे, ध्यान रहेगा। पार्ट सी में कौन से स्टेट्स थे? जो फॉर्मर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिसको क्या बोल सकते हैं, लाइक यूनियन टेरिटरीज, है ना, जो दोनों हो सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंस भी हो सकते हैं और प्रिंसली स्टेट्स भी हो सकते हैं, है ना। और उनमें से कुछ के नाम दिए हुए हैं, लाइक अजमेर,
भोपाल, विंध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कुर्ग, बिलासपुर, दिल्ली, कच्छ, मणिपुर और विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पास वाला ही पोर्शन है। मध्य प्रदेश तो आज है, क्या उस समय मध्य प्रदेश था? नहीं, पहले बोला जाता है कि जो सेंट्रल प्रोविंस था उसमें नागपुर वाला एरिया भी इंक्लूडेड रहता, तो नागपुर वॉज द कैपिटल ऑफ सीपी। लेकिन बाद में कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया? भोपाल, क्योंकि ये गद्दार भगने भगने को कर रहा था। अगर इसको कैपिटल नहीं बनाते भोपाल को, तो क्या वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो सकती? जब कैपिटल बनी तो सारा पूरा सरकार कहाँ चली गई? उठ के भोपाल। अब भोपाल से डायरेक्ट रूल हो रहा था, अब गड़बड़ करना मुश्किल हो गया था, ध्यान रहेगा। तो पहले कैपिटल क्या हुआ करती थी मध्य प्रदेश की? नागपुर। फिर नागपुर को बाद में कहाँ मिला दिया? महाराष्ट्र में, क्योंकि वो मराठी स्पीकिंग पीपल थे, ध्यान रहेगा। और पार्ट डी में केवल एक ही स्टेट था, क्या नाम था उसका? अंडमान एंड निकोबार। लेकिन ये सारी स्कीम जनता को पसंद आ रही थी क्या? नहीं। ओटी श्री रामलू मर चुके हैं, कब? 1953 में। ये स्कीम कब आ गई थी? 1950 में, 26 जनवरी 1950 से ये स्कीम चालू हुई। 1953 में किसकी डेथ हुई? ओटी श्री रामलू। उन्होंने 56 डे का फास्ट करा और उसके बाद उनकी क्या हो जाती है? डेथ। उसके बाद पहला स्टेट बन जाता ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो उसी साल एक नया कमीशन बिठाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? फजल अली कमीशन। और इसका एक और नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, क्योंकि कब आया था ये? 1953 में। अब कमीशन तो बन गया 1953 में, तो क्या तुरंत रिपोर्ट दे देगा? नहीं। तो इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? सितंबर 1955 में, ध्यान रहेगा। इसमें टोटल तीन मेंबर थे, फजल अली वॉज द चेयरमैन, केम पनिक्कर एंड हृदयनाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू, ध्यान रहेगा, कंजरू नहीं, कुंजरू, है ना, केम पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली। अब इन्होंने क्या बोला, सुनना, इनके रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला यस, वी कैन रीऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज सोल क्राइटेरिया नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमको क्या रखना है? ध्यान रखना है कि कितनी आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। सो एक्सेप्टेड स्टेट फॉर्मेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस बट नॉट एज अ सोल फैक्टर, ध्यान रहेगा। सजेस्टेड एबोलिशन, अब इन्होंने और भी सजेस्ट किया। अब चूंकि स्टेट्स को किसके बेसिस पर क्लासिफाई करना था? लैंग्वेज। सो ये जो पार्ट फोर क्लासिफिकेशन था ए बी सी डी, बोले इनको क्या कर दो आप? खत्म कर दो। सो इन्होंने और सजेस्ट क्या किया? एबोलिशन ऑफ फोर पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, दैट इज पार्ट ए बी सी डी। अब अगर देखो पार्ट ए बी सी डी को आपको एबोलिश करना है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। सो अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सो थ्रू सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या करा? इसकी रिपोर्ट को क्या किया गया? इंप्लीमेंट किया गया। और ये पार्ट ए बी सी डी वाला क्लासिफिकेशन इसको क्या कर दिया? डन अवे विद, ध्यान रहेगा, इजी है। फजल अली कमीशन सजेस्टेड फॉर्मेशन ऑफ, इन्होंने क्या सजेस्ट किया? इनकी रिपोर्ट ने क्या बोला कि कितने स्टेट बनाओ? 16 स्टेट बनाओ और 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी, मतलब 3 यूनियन टेरिटरीज बनाओ। लेकिन जब सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया, सो उसने क्या बोला कि ठीक है पार्ट ए और बी को क्या कर दो? खत्म कर दो। पार्ट सी को भी क्या कर दो? खत्म कर दो। पार्ट डी में तो एक ही स्टेट था। सो इसके तहत इसने क्या बोला था? 16 स्टेट बनाओ और 3 यूटी। लेकिन असलियत में कितने स्टेट बने? 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज वर क्रिएटेड ऑन 1st नवंबर 1956। तो 16 स्टेट बने थे कब? 1st नवंबर 1956। सो हमारा मध्य प्रदेश भी कब बना था? 1st नवंबर 1956। इसलिए हम 1st नवंबर को क्या मनाते हैं? मध्य प्रदेश दिवस, स्थापना दिवस। सो सिर्फ हम ही नहीं मनाते होंगे, और भी बहुत सारे मनाते होंगे। कितने? और भी 14 स्टेट्स इसको सेलिब्रेट करते होंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब है? 1st नवंबर 1956। यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उसको नाम किसने दिया? नेहरू ने बोला कि आज से यूनाइटेड यूनाइटेड खत्म, क्या नाम रख दो इसका? उत्तर प्रदेश। ये सेंट्रल प्रोविंस खत्म, क्या नाम रख दो? मध्य प्रदेश। सबका बोले हिंदी नाम कर दो, बस दैट्स इट। समझ गए? तो ये समझ में आया फजल अली कमीशन क्या था? और कुछ भी बताया क्या फजल अली ने? बस इतना ही बताया। समझ में आया व्हाट इज दिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन? हम लोगों ने जो टॉपिक किया इजी था। कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसके बाद एक जल्दी से पहले उसके पहले एक रीकैप लें, क्या क्या पढ़ा अभी तक अपन ने। हाँ, सीपी एंड बेरार, बिल्कुल। कुछ भी नहीं था, बस नाम था उसका वो। बेरार कोई जगह होगी सर? हाँ, जगह होगी, माइट बी पॉसिबल। ठीक है, हम लोगों को टॉपिक कौन सा करना था? ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें अभी तक? कोई भी डाउट नहीं, पक्का। हम लोगों को क्या करना था? स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन। भाई सवाल आया कि स्टेट्स को कैसे बनाना चाहिए भारत में,
तो कुछ लोगों ने क्या बोला, भाई एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला पार्ट ए बी सी डी कर दो, लेकिन हमने देखा कि भारत किससे मिलके बना था, 656 प्रिंसली स्टेट्स वगैरह और स्टेट से मिलके बना था, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये पार्ट ए बी सी डी वाली स्कीम दी थी। सो इसके लिए अलग अलग कमीशन आए, लोग क्या चाहते थे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कर दो। सो पहली बार लिंग्विस्टिक कमीशन बना, जिसका क्या नाम था, धार कमीशन। कब बना, 1948 में। इसको नाम ही किया गया लिंग्विस्टिक प्रोविजन प्रोविंस कमिटी या कमीशन। इसका मेंबर कौन थे, चेयरमैन कौन थे, एस के धार। इन्होंने क्या बोला, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते, सो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट कमीशन बना, क्या नाम था, जेवीपी कमिटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इसको क्या बोला गया, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिटी। ये भी कब बनी थी, 1948 में। इसके तीन मेंबर थे, मेंबर के नाम उसमें जेवीपी में ही समझ में आ रहा है। इन्होंने भी क्या बोला, स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर क्लासीफाई नहीं कर सकते। जब इन्होंने मना किया तो उसके बाद क्या आया, 1950 उन्होंने बोला कैसे बना दो, ए बी सी डी में बन दो, है ना। फिर उसके बाद 1953 किसकी डेथ हो गई, पोटी श्री रामलू, हंगर स्ट्राइक 56 डेज का उसके बाद डेथ। फिर पहला स्टेट बन गया, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो उसके बाद ये डिमांड और तेज हुई, तो उसी साल 1953 को हमने क्या करा, थर्ड कमीशन बनाया, जिसको क्या बोला, स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन, जिसको बोलते हैं फजल अली कमीशन, क्योंकि उसके चेयरमैन कौन थे, फजल अली। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये फोर टाइप ऑफ स्टेट्स कैसे बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ए बी सी डी। ए में कौन थे, जो ब्रिटिश फॉर्मर प्रोविंसेस थे, फॉर्मर ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंस थे, जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे थ्रू देयर गवर्नर्स, वहां पर कोई राजा वाजा नहीं था। उसमें टोटल 9 स्टेट्स थे, कौन कौन से, आसाम, बिहार, बॉम्बे, सीपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, है ना। पार्ट बी में कौन से थे, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट, जहां पे राजा रजवाड़े रूल करते थे, लाइक हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन, जिसको पेप्सू बोलते हैं, राजस्थान और सौराष्ट्र, त्रावणकोर और कोची, है ना। पार्ट सी में कौन से स्टेट्स रखे, जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट थे, जिनको यूटीज बोल सकते हैं, है ना। और पार्ट डी में केवल एक ही था, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। पार्ट सी वालों के नाम याद रख लेना, यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वाला ए बी सी डी क्लासिफिकेशन पसंद आया नहीं। जब पोटी श्री रामलू की डेथ हुई 1953 में और आंध्र प्रदेश बन गया पहला स्टेट, तो उसी साल 1953 में एक नया कमीशन बनाया, जिसका क्या नाम दे दिया, फजल अली कमीशन। इसको बनाया कब, 1953 में, मगर इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, सितंबर 1955 में। इसके तीन मेंबर थे, फजल अली, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ध्यान रखा। इन्होंने क्या बोला, यस लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स को फॉर्म कर सकते हैं, बट नॉट एज सोल क्राइटेरिया, और किसका ध्यान रखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का। और इन्होंने साथ में क्या बोला कि अभी जो एबीसीडी वाला क्लासिफिकेशन है, इसको क्या कर दो, एबॉलिश कर दो, खत्म। और अब से क्या करो, स्टेट्स को कैसे क्लासिफाई कर दो, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज अलोंग विद एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। फजल अली कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, कितने स्टेट्स बनाओ, 16 स्टेट्स बनाओ और 3 यूटी बनाओ। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा, क्यों, क्योंकि जब पार्ट ए बी सी डी को एबॉलिश करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू चेंज हुआ, 7th, उसने बोला कि पार्ट ए बी सी डी अब से खत्म। और एज अ रिजल्ट इसने तो बोला था 16 स्टेट और 3 यूटी बनाओ, लेकिन इसने कितने स्टेट बनाया, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। कब बना दिए, 1956 में, 1st नवंबर 1956 में, ध्यान रखना। कहां पर, हाँ देखो, आर्टिकल 2 और 3 में सुपरफिशियल चेंजेस होते हैं, आर्टिकल 2 और 3 में मैं थोड़े बहुत चेंजेस करता हूँ, लेकिन ये पार्ट ए बी सी डी को हटा सकता था क्या मैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 और 3 नहीं। आर्टिकल 2 और 3 में तो मैं एक आध दो स्टेट्स बना दूँ, उनके नाम बदल दूँ, वो ठीक है, लेकिन ये तो क्या बोल रहा था कि पार्ट ए बी सी डी का क्लासिफिकेशन ही खत्म कर दो। तो क्या आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 कहीं भी है, ए बी सी डी वाले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, नहीं। तो अगर इसको हटाना है तब तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368, तो इसलिए वो प्रॉपर अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान रहेगा। इसलिए उनको क्या लाना पड़ा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो फजल अली कमीशन की रिपोर्ट्स आज भी चल रही हैं, क्योंकि हम सब किसके बेसिस पे क्लासिफाई हो गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन इन्होंने क्या बोला था, लैंग्वेज शुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया, बोल सकते हैं सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासिफाई करना, नहीं, इन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी क्लासिफाई करना। इसलिए तो मध्य प्रदेश से बाद में किसको अलग किया, छत्तीसगढ़ को, जबकि वो लोग भी हिंदी स्पीकिंग है। उत्तर प्रदेश से किसको अलग किया, उत्तराखंड को, तो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया, उत्तराखंड के लोग भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई उनको, वो पहाड़ी लोग हैं, उनका कल्चर अलग है, तो उनको अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्टर। हिमाचल प्रदेश वॉज यूनियन टेरिटरी, बाद में उसको क्या बना दिया, स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, बट नॉट एज सोल क्राइटेरिया, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे किया, आंसर इज नो। और अगर सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे होता तो आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग होता क्या, आंसर इज नो, ध्यान रहेगा।
है ना, भोपाल को राजधानी क्यों बनाया वो भी मैंने बता दिया। फिर अपन आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाले तो अपन ने कल कर लिए थे, इनमें से कुछ रह गए थे आज उनको देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, बी आंसर है बिल्कुल। कोई भी ये सब काम एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल किसकी बात कर रहा है, टू या थ्री बोलो, आर्टिकल टू की बात कर रहा है बिल्कुल, जहां पर किसकी बात होती है, न्यू स्टेट्स की बात होती है। हमने गोवा लिया, पौंडीचेरी लिया है ना, दमन एंड दीव लिया, तो ये चीज ध्यान रखना है। ये कैसे हो सकता है, पार्लियामेंट करती है बाय लॉ, मन से कोई काम नहीं होता है। आगे देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या, इसमें एक दो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये वाला देखो, वो मुझे नहीं पता, ईयर से समझो कौन सा ईयर दिया हुआ है, वो दोनों कब आए थे, पहला आया था एसके धार, वो आया था 48, जेवीपी भी 48, ये बात कर रहा 56, मतलब ऑब्वियस है फजल अली की बात कर रहा है। सी, चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 है ना, वॉज एन इंपॉर्टेंट फेडरल लैंडमार्क इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनियन, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू इट। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, इट क्रिएटेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन सोलिली ऑन द लिंग्विस्टिक एंड रीजनल कंसिडरेशन। ये सही है, ये रॉन्ग है, सुनना मेरी बात, क्यों है रॉन्ग, क्योंकि सुनो रीजनल भी है, उसने बोला था कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासिफाई करना, लेकिन रीजनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को भी ध्यान रखना, लेकिन ये क्या बोल रहा है, बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, बेसिस ऑफ लैंग्वेज रेदर देन सोलिली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रीजनल कन्वीनियंस। उसने क्लासिफाई कैसे किया था, लैंग्वेज के बेसिस पे, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव और रीजनल कंसिडरेशन को भी ध्यान रखा था, लेकिन ये बोल रहा है उसने एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया, नहीं उसने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और रीजनल कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखा था, तो स्टेटमेंट थोड़ा सा उन्होंने क्या करा, ट्विस्ट कर दिया, तो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। तो वन कहां कहां पर है, ए पे है और सी पे है, तो ये तो दोनों चले गए, तो सी वाले खत्म। यहां पर करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा, ये भी ध्यान रखना। सेकेंड स्टेटमेंट देख लो, ड्यू टू एक्सटेंसिव रीऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटेड बाय द एक्ट, इट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये सही है, यस, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये भी ध्यान रखना है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी दैट इज टू ओनली, ध्यान रखोगे है ना, ये वाले की बात कर रहा है फजल अली कमीशन, जिसका एक और नाम क्या था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। रिपोर्ट कब दी इसने, 55 में, और एक्ट कब बनाया, 1956 में, क्योंकि क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास करना पड़ा। इसमें डी आंसर क्यों दिया है, इसमें आंसर गलत दिया हुआ, आंसर क्या आएगा अपना, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये तो अपन ने कल ही कर लिया था है ना, किस स्टेट की बाउंड्री, हाँ ये वाला देख लो, वो कल कर लिया था हम लोगों ने क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। देखो क्वेश्चन कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सर्टेन एरियाज दैट वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स लेटर एज चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ पार्ट सी एंड पार्ट डी, आज उनको क्या बना दिया टुडे यूनियन टेरिटरी, जिसमें दिल्ली आज भी है, ध्यान रहेगा दिल्ली तो आज भी यूटी ही है ना, कुछ लोगों को हिमाचल देखो, अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक 1956, इसने क्या बोला था, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट जो थी ब्रिटिश रूल में, बाद में उनको क्या बना दिया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इंडिपेंडेंस के बाद उनको कहां रख दिया, पार्ट सी और पार्ट डी में, और आज उनको क्या बना दिया हमने, यूनियन टेरिटरीज। अब इनमें से कुछ यूटीज जो उस समय बनी होंगी, आज उनको हमने और बढ़ा के क्या बना दिया, स्टेट। सो जो पहले यूटीज बनी थी उसने क्या बोला था, कितने स्टेट बनाओ, 14, उसने बोला तो कितना था, सजेस्ट किया था 16 स्टेट्स प्लस 3 यूटीज, लेकिन 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बनाया, स्टेट प्लस 6 यूटीज, तो वो 6 यूटीज ये थी, कौन सी थी, हिमाचल प्रदेश, ये आज हिमाचल प्रदेश आज स्टेट बना है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा भी पहले क्या थी, ये यूटी, ये लिस्ट में क्या नहीं है, दिल्ली नहीं है, इसका मतलब दिल्ली क्या है, वो 6 यूटीज में आ पाया क्या, नहीं, वो पार्ट सी में जरूर था, लेकिन इन 6 यूनियन टेरिटरीज में नहीं आ पाया, लेकिन आज दिल्ली क्या है, यूटी है, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रीजनल कंसिडरेशन। क्या दिल्ली को लैंग्वेज के बेसिस पे यूटी बनाया, नहीं,
दिल्ली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वाला तो कल अपन ने कर ही लिया था इसलिए इसको दोबारा नहीं देखते हैं। ये भी कल कर लिया था, है ना, ये वाला भी कल कर लिया था अपन ने। और कौन सा क्वेश्चन है ये देख लो, जल्दी से ये क्वेश्चन बताओ। चलो देख ले क्या बोल रहा है, अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा ओनली। भाई हमने देखा था प्रोसीजर कहां दी हुई थी, आर्टिकल 3 में हमने प्रोसीजर देखी थी कि बिल को कौन से हाउस में ला सकते हो, किसी के भी हाउस में। तो ये तो क्या बोल रहा है, शुरू में इसने गलत बोल दिया, इन राज्यसभा ओनली नहीं, इन आइदर ऑफ द हाउस, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब वाइस प्रेसिडेंट, बल्कि कौन देगा, प्रेसिडेंट परमिशन देगा। तो यहां पर ये तो बहुत ही ज्यादा गलतियां इसमें, पता नहीं क्या नशे वशे में था बनाने वाला। सेकंड देख लो बी, इन कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, क्या वो ये सब कर सकते हैं, सोल पावर लाइज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना। सो कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं भाई, इनके तो इवन व्यूज भी बाइंडिंग नहीं थे, विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। अब इसकी इतनी औकात है क्या, ये कभी जिंदगी में हो सकती है, जब इसकी हैसियत नहीं है तो ये तो बेचारा उसके द्वारा नॉमिनेट किया गया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। गवर्नर तो मतलब ऐसा है, गवर्नर तो मर भी जाए तो किसी को फर्क पड़ता है, दे आर सो पावरलेस, बिल्कुल टूथलेस टाइगर है, बोले तुमको टाइगर बना रहे बस दांत निकाल के, समझ गए। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड देखो, इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, अरे बाप रे बाप, लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं, अब तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल वो भी बताऊंगा, मतलब परिषद, ये तो और नहीं कर सकते, यहां तो एमएलए भी ऐसे फर्जी वाले बैठते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर एक ही बचा उसके बाद, वो है डी, बिना पढ़े ही आंसर आ गया, इसलिए सैम ने शायद सही दिया। इन द पार्लियामेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ इस बिल को कहां ला सकते हैं, पार्लियामेंट, बिकॉज दिस पावर सोलेली लाइज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। आर्टिकल 3 में अपन ने देखा था 2 कंडीशन है, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और बिफोर रिकमेंडिंग द बिल प्रेसिडेंट को मैटर कहां रेफर करना पड़ेगा, कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना। और ये सोल पावर किसके पास है, सोल पावर लाइज विद द पार्लियामेंट, है ना, ये हम लोगों ने देख लिया था। और भी कोई क्वेश्चन है, ये देख लो, अभी पढ़ा है ये तो, कमीशंस वगैरह पढ़े। देखो कई बार इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर करना। हाँ ए है, एक में रुक जाओ, इसमें मेरे को कुछ चेंज करना है। जो बी स्टेटमेंट है ना उसको 1 2 3 4 ऐसा पढ़ना, उसको 1 2 3 4 और 5 ओनली, मतलब ऑल ऑफ दी अबव कहां दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को रीड करो, 1 2 3 4 5 मतलब उसमें सारे ऑप्शन करेक्ट बताएं, बी ऑप्शन में ए ही सही है, समझ गए। अब देखो जल्दी से, ये तो तुम लोगों को डराने के लिए दे दिया, अभी सुनो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल कमीशंस वर रिलेटेड विद द इश्यूज ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। 3 कमीशन आए थे, फजल अली कमीशन कब आया था, 1953 में, उसने रिपोर्ट कब दी थी, सितंबर 1955 में, और बाद में 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1956 में। जेबीपी कमेटी कब आई थी, 1948, और फिर धार कमीशन, एसके धार जिसके चेयरमैन थे, 1940, तो सबसे पहले कौन आया था, धार कमीशन, फिर जेबीपी, और तीसरे नंबर पे ये, और ये राजीव कमीशन और गोखले कमीशन, ये तुमको गलत करवाने के लिए आए हैं। वैसे स्टेटमेंट इतने सही थे, तुमको 1 2 3 सही पता था, तो 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ कहां दिया हुआ है, ए में। ये स्टेटमेंट बड़े आसान थे इसलिए क्वेश्चन इजी, अगर मान लो 1 2 3 4 दे देते, 1 2 3 एंड 5 दे देते, तो तुम शायद फिर गलत कर जाते। ये अपन लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, और कोई क्वेश्चन बचा।